नमस्कार, ऑनली न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। एक लंबे अरसे से शक्तिशाली देशों की श्रेणी में रहे अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का नाम हमने खूब एक लंबे अरसे से सुनते चले आए, लेकिन उसके बाद में अब हमारा देश भारत भी कई शक्तिशाली देशों में को लोहा मनवाने की ताकत रखता है और इसका खासा श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जिस तरीके से उन्होंने देश को शक्तिशाली बनाया है, ऐसे में उनका शक्तिशाली होना भी बहुत ज़रूरी है। शक्तिशाली से मतलब सुरक्षित और उनका शक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए, ताकि किसी भी दुश्मन की हिम्मत ना हो सके कि उनकी तरफ उंगली उठा के भी देख सके। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति को एक कड़ी सुरक्षा दी जाती है, उसी तरीके से उनके पास एक सुरक्षित विमान है। उसी तौर पर एक ऐसा ही महाबली विमान जो कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी होने वाला है, जिससे जितने भी उनके दुश्मन हैं, देश हैं, उन पर शिकंजा कसेगा और वो सुरक्षित रह पाएंगे। ये ऐसा एक विमान आया है, कल आए पहुंचा है, बोइंग 777 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखने वाला कई ऐसी महाशक्तियों से लैस है, जिससे दुश्मन की पहुंच बहुत दूर तक रह पाएगी, वो दुश्मन उन तक पहुंच भी नहीं पाएगा। क्या कुछ है इस हेलीकॉप्टर में जो कि खुद महाशक्तियों से लैस है, क्या कुछ ऐसी खूबियाँ हैं, ये हम आपको बताएंगे अपनी इस खबर में। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में तैयार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में तैयार विशेष विमान बोइंग 777 गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतर गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन जैसी क्षमताओं से लैस इस विमान में कई विशेषताएं हैं। इस विमान का प्रयोग प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कर सकेंगे। ऊपर सुपर वीआईपी विमान की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। साथ ही यह विमान इतना शक्तिशाली है कि दुश्मनों की मिसाल भी बेअसर हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में तैयार किए गए यह विशेष विमान बोइंग 777 है। अमेरिका में इस विशालकाय विमान का गुरुवार को भारत की धरती पर आगमन हुआ। इस विमान की एक नहीं बल्कि कई एक ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे शक्तिशाली महाबली कहने का क्षमता रखती हैं। ये विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन जैसी कई शक्तियों से लैस है। इस विमान का अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस विमान में मिरर बॉल सिस्टम भी है। ये आधुनिक इंफ्रारेड सिग्नल से चलने वाली मिसाइलों को भी भ्रमित कर सकता है, यानी इस विमान पर मिसाइल हमले का असर नहीं हो सकता। इसके साथ साथ इस विमान के अगले हिस्से में जैमर लगा है, जो कि दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम करने की शक्ति रखता है। यह विमान सेल्फ प्रोटेक्ट सूट्स और अत्यधिक कम्युनिकेशन सिस्टम से भी लैस है। इसके में हवा कम में ईंधन की क्षमता भरी हुई है। इसके एक बार ईंधन भरने पर अमेरिका से भारत तक की लंबी उड़ान भर सकता है। इसके साथ साथ भारत के फरवरी में अमेरिका से 84 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे विमानों की डील की थी। माना जाता है कि अमेरिका से ये दूसरे विमान का आगमन भी जल्दी होने वाला है, क्योंकि इस सुपर विमान प्लेन को आने वाले समय में एयर इंडिया नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना ऑपरेटिंग करेगी। जिस तरीके से विमान का आगमन हुआ है, उस तरीके से हमारी शक्तियां भी और दुगनी हो गई हैं। जिस तरीके से भारत आए दिन शक्तिशाली बन रहा है, चीन और पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का दम रखता है, ऐसे में इस विमान का आना हमारी शक्तियों को दुगना करेगा और हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी खास तौर पर शक्ति मिल पाएगी। और बाकी ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल ऑनली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।